ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम जयराम ठाकुर ने कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार पर कहा है कि एयर कनेक्टिविटी के लिए बड़ा एयरपोर्ट होना जरूरी है। काश पहले बड़ा एयरपोर्ट होता, छोटे एयरपोर्ट की वजह से एयर कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है। प्रदेश में कांगड़ा एयरपोर्ट सबसे बड़ा है, इसके विस्तार से पर्यटकों की आमद बढ़ेगी क्योंकि जिला में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। एयरपोर्ट बड़ा होने से ज्यादा पर्यटन यहाँ आएंगे, वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि शीतकालीन प्रवास चलता रहेगा। दिल्ली चुनाव में पार्टी कार्यकर्ता होने के चलते जिम्मेवारी दी गई थी, जिसके चलते शीतकालीन प्रवास में देरी हुई है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में विकास में शीतकालीन प्रवास की अहम भूमिका रहती है। सीएम जयराम ठाकुर कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान राजकीय बहुतकनीकी संस्थान कांगड़ा के 5.54 करोड़ की लागत से नव निर्मित प्रशासनिक भवन के उद्घाटन उपरांत पत्रकारों से बातचीत में बोल रहे थे। सीएम जयराम ठाकुर ने कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार पर कहा कि एयर कनेक्टिविटी के लिए बड़ा एयरपोर्ट होना जरूरी है। काश पहले बड़ा एयरपोर्ट होता, छोटे एयरपोर्ट की वजह से एयर कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है। प्रदेश में कांगड़ा एयरपोर्ट सबसे बड़ा है, इसके विस्तार से पर्यटकों की आमद बढ़ेगी क्योंकि जिला में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। एयरपोर्ट बड़ा होने से जहां ज्यादा पर्यटक यहां आएंगे, वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। विधानसभा क्षेत्र में संपन्न हुए हैं और शाम को हम पालमपुर में पार्टी के संगठन के सब साथियों के साथ बैठे थे और आने वाले समय में जो है वो हमारा शीतकालीन प्रवास जो है कांगड़ा का वो चलता रहेगा। अभी कल तक हमारा प्रवास है, आज हम कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ से होकर के शाहपुर से होकर के रात्रि नूरपुर और इसके पश्चात कल इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में हमारा प्रवास रहेगा और उसके बाद 18-19 तारीख को फिर से मैं 2 दिन के लिए आ रहा हूँ क्योंकि इस बीच में दिल्ली विधानसभा का चुनाव था। चुनाव के सिलसिले में पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जिम्मेवारी लगी थी तो हम थोड़ा सा इसमें विलंब हुए हैं, लेकिन हम 70 से पहले और 70 के बाद बीच में जो ब्रेक पीरियड होगा उसमें और उसके बाद जो पोर्शन बचेगा उसको तुरंत 70 के बाद हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि कांगड़ा में जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हमने 2 साल पहले शुरू किए थे, बहुत सारे उसमें उद्घाटन की स्थिति में हो गए हैं और जो 1 साल पहले शुरू किए थे उनको हम शुरू करने की परिस्थिति में हम यहाँ पर इस जिला के अंतर्गत जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और पूरा कांगड़ा जिला का विकास, कांगड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास सभी क्षेत्रों में सुनिश्चित हो, उस बात को लिए ये शीतकालीन प्रवास की एक अच्छी भूमिका रहती है। नए विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट के साथ ही 26 जनवरी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा और मंत्रिमंडल का विस्तार भी जल्द होगा। पिछले कल पपरोला में जोगिंदर नगर फार्मेसी कॉलेज के प्रशिक्षकों के मामले पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बच्चे आए थे, हम उनसे प्यार से मिले, अपने बच्चों की तरह उन्हें समझाया, वो सहमत भी हुए लेकिन कुछ टेक्निकल इशू था। कुछ लोगों ने राजनीतिक मकसद से बच्चों को रास्ता रोकने के लिए प्रेरित करने और सह देने का प्रयास किया जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। कांगड़ा एयरपोर्ट देखिए ये भावनात्मक मुद्दा है पूरे प्रदेश का। हमारे लिए सबसे बड़ी कठिनाई हिमाचल प्रदेश में है कनेक्टिविटी। काश हमारे पास बड़ा एयरपोर्ट पहले होता, आज हमारे पास हिमाचल प्रदेश में जो है टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक विस्तार होता उसमें। लेकिन छोटे एयरपोर्ट होने के कारण कनेक्टिविटी हमारी प्रभावित रही और उसमें भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में 3 एयरपोर्ट में कांगड़ा एयरपोर्ट फिर भी जो है बेहतर ढंग से हमारा चला है। अभी हमारी 4 फ्लाइट के साथ एक एडिशन चंडीगढ़ से हुई है तो 5 फ्लाइट से हमारी यहाँ पर चल रही हैं। हमारी हार्दिक इच्छा है हमारे कांगड़ा में, चंबा में, खासतौर से धर्मशाला एक इंटरनेशनल नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ टूरिस्ट का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं आने वाले समय में दिख रही है। कनेक्टिविटी एक इशू है, एयरपोर्ट बड़ा बनेगा तो यहाँ की कायाकल्प हो जाएगी। मैं कह सकता हूँ एक ही टूरिज्म एक इंडस्ट्री हमारे पास ऐसी होगी जिसके कारण जो है हमारे कांगड़ा, चंबा और सारा ये इलाका हिमाचल प्रदेश में जो है रोजगार के भी साधन और उसके साथ साथ में आगे जो है टूरिज्म को डेवलप करने की दृष्टि से भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इस एयरपोर्ट के माध्यम से होगा। हमारी कोशिश है कि इसमें एयरपोर्ट बने, बड़ा एयरपोर्ट बने
और जहां लोगों को आने जाने की सुविधा हो और उसके साथ टूरिज्म को यहां पर प्रमोट कर सके, और इसमें हम सब लोगों से सहयोग चाहेंगे। जिला सिरमौर के सिलाई विधानसभा क्षेत्र में जनमंच में परोसी गई खराब दालें के मामलों में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सीओ के कार्य में प्रगति हुई है। पहले औपचारिकताओं का दौर था, लैंड इश्यू से हम आगे बढ़े हैं। अब मुझे उम्मीद है कि सीओ का काम जल्द आगे बढ़े। भैया देखिए, प्रगति उसमें हुई जो औपचारिकताओं का दौर था, जो पर्टिकुलरली उसके जो लैंड के इश्यूज थे वो आगे बढ़े हैं, और मैं बहुत उम्मीद में हूँ कि अब बहुत जल्दी जो है वो काम शुरू हो जाएगा, और उनसे हम बात करेंगे। थैंक यू।